हेलो, आई एम ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो और एनी अपडेट। तो आइए बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है लास्ट में जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी। जैसे उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि ये गो एंड गॉन वाला जा नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर ये मेरी वॉइस जो निकलती है जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। जैसे कि मैं खाना पका रही थी, खाना मेरे द्वारा पकाया जा रहा था, इस टाइप से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव को हम टेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होता था? सब्जेक्ट, और उसके बाद इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी? वाज, वर। तो इसी तरह इसकी पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी? वाज बीइंग और वर बीइंग। फिर इसके बाद आईएनजी आता था और फिर ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट तो पहले आ ही जाएगा। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होगी, वाज बीइंग और वर बीइंग। इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है और बाय का यूज करते हुए हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। तो आइए देखिए, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल। मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक नॉवल पढ़ रहा था। एक नॉवल मेरे द्वारा पढ़ी जा रही थी, इस टाइप से जा रही थी। अच्छा, अ नॉवल सबसे पहले ये आ गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसमें नॉवल प्लूरल नहीं है, क्या है? सिंगुलर। वॉज वीन, ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म रीडिंग रेंट। वाई अभ्यामी, फिर से ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। सोहन वॉज किलिंग अ बर्ड। सोहन एक चिड़िया मार रहा था, एक चिड़िया सोहन के द्वारा मारी जा रही थी। तो एक चिड़िया, अ बर्ड, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी? वॉज बी, वर नहीं लगेगा, सिंगुलर है ना, was being। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म killed। इसके बाद by सोहन, यानी कि सब्जेक्ट। इसमें सीधे सीधे नेम है, हमें कुछ भी देखना नहीं है। word was being killed by सोहन। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। क्या लिख कर दिया हमने यहाँ पर? देखिए, हम नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेगेटिव में क्या रहता था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता था, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों जो पार्ट है उनके बीच में लगेगा। जैसे इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग बताया था, ऐसी वाज नॉट बीइंग और वर नॉट बीइंग, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ, लेट्स नॉट, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। यानी कि आई वॉज नॉट रीडिंग अ नॉवल, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा? वॉज नॉट बीइंग रेड बाय मी। सोहन वॉज नॉट किलिंग अ वर्ड, कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, पहले आप अफर्मेटिव बना लीजिए, नॉट बाद में लगाइए। वर्ड वॉज बीन, वॉज नॉट बीन, वर्ड वॉज नॉट बीन किल्ड बाय सोहन। तो इस तरह से हो गए आपके अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस में क्या होता था? सबसे पहले सिंगल इंटरोगेटिव की बात करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते थे। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस में भी वही रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। लेकिन क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में है, वाज बीइंग या वर बीइंग, तो बीच में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब दो पार्ट में होती थी टेंसेस में, तो बीच में क्या लगता था? सब्जेक्ट, वाज या वर, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा बीइंग, फिर सेम हेल्पिंग वर्ब, वो सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। वर यू प्लेइंग द फुटबॉल यस्टरडे, क्या तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे? क्या फुटबॉल तुम्हारे द्वारा खेली जा रही थी कल? तो वर यू प्लेइंग द फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में मैंने यहाँ पर लिखा है वर द फुटबॉल। सबसे पहले आप ये बताइए, सही है ना? सब सही लिखा है मैंने? नहीं, मैंने ये जान नहीं बताया आपको। आप लोगों ने यही नोट करा होगा कि हाँ सही है। मैंने क्या बताया था आपको
कि वर तो यह है यूके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, लेकिन हम यह पहले क्या ला रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो यह हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द फुटबॉल, और द फुटबॉल मीन्स सिंगुलर, ठीक है। तो किस किस ने ये अपने आप कर लिया था कि मैम ने गलत लिख दी है, तो ठीक है मैंने यहाँ पर देखना, आप लोग अब टेस्ट अगर आपने नहीं करा तो उसका मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की रिवीजन की जरूरत है, और अगर आपने पहचान लिया इट मींस आप पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक सीख गए थे, क्योंकि वहां भी मैंने यही वाला केस बताया था आपको। तो वॉज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, यही होगा बस। अच्छा अगर हम इसमें नॉट भी लगा दें, तो यहाँ पर नॉट लगता था सब्जेक्ट के बाद, वर यू नॉट प्लेइंग द फुटबॉल यस्टरडे, तो वॉज द फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट के बाद, नॉट बी प्लेड बाय यू, हाँ मैं यहाँ यस्टरडे लगाना और भूल गई हूँ, तो आप यस्टरडे लास्ट में लगा लीजिएगा। स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं, लेकिन यस्टरडे लगाना जरूरी है जब लग रहा है हम कल की बात कर रहे हैं। वॉज द फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाय यू यस्टरडे। अब आ जाते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में कुछ नहीं होता, बस सेम स्ट्रक्चर रहता है, इसके आगे क्या लग जाता है आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये होता था आपका वॉइस का क्वेश्चन वर्ड, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीइंग, थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड और लगा देना है, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये पूरा सेम है और बस इसके आगे क्या लगा दूं क्वेश्चन वर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। Why was that student reading a novel? वो स्टूडेंट नॉवल क्यों पढ़ रहा है? अच्छा, उस फिर क्या हुआ? एक नॉवल उस स्टूडेंट के द्वारा क्यों पढ़ी जा रही है? ठीक है? Why was that student reading a novel? तो why सबसे पहले, फिर आती थी helping verb was, फिर इसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, अ नॉवल। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अ नॉवल के साथ वॉज सही बैठ रहा है, हाँ सिंगुलर है तो वॉज सही बैठ रहा है, मैं चेंज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। व्हाई वॉज अ नॉवल, अब इसके बाद बी, इसके बाद रेड बाय स्टूडेंट, ये होगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करें, नेगेटिव बनाए, सेम ही होगा। व्हाई वॉज दैट स्टूडेंट नॉट रीडिंग अ नॉवल, तो उसमें ऑब्जेक्ट के बाद व्हाई वॉज अ नॉवल नॉट बी। तो यहाँ पर आप भी खत्म होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पैसिव वॉइस का। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मैंने यहाँ पर एक आपको एक्टिव वॉइस दिखाया है, आई वाज लर्निंग अ लेसन। आप अपनी नोटबुक में केवल इतना नोट कीजिए और बाकी के फोर सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ये वाला अफर्मेटिव, ये आप इसमें से कॉपी मत कीजिए, पहले आप खुद बनाइए फोर सेंटेंसेस, फिर चेक कीजिए सही है या नहीं। ये नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव और ये डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। आई वॉज लर्निंग अ लेसन, आप केवल इतना लर्न कीजिए, पॉज कर लीजिए मेरी वीडियो, फिर चेक करिए। चलिए मैं यहाँ बता रही हूँ, अ लेसन वॉज बीइंग लर्न बाय मी, वाई आई इज रॉन्ग। ऑब्जेक्ट केस आपको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह गया है तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको बनाना ही पड़ेगा, और मैंने ये अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया है। इसके बाद अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट कहाँ लगेगा, वॉज अ बीइंग के बीच में, अ लेसन वॉज नॉट बीइंग लर्न बाय मी। इसके बाद वॉज अ लेसन, हम सिंगल इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से वॉज, इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का बी। Was a lesson being learned by me? और इसके बाद डबल इंटरोगेटिव में हमने why लगा दिया है, बस यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, बाकी पूरा सेम रहता है। Why was a lesson being learned by me? तो अब आप देखिए आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं आई है, इट मीन्स आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आप परफेक्ट हो गए, सीखते जा रहे हैं, सीखते जाइए। तो इस तरह से अगर आपको मेरी कोई, इफ यू हैव एन एनी डाउट देन राइट अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स and send a mail to my email id. My email id is given in my description box. So we'll meet you in next session. Till then, bye bye, take care.